Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to study about marine water ecosystem. आज की वीडियो में हम marine water ecosystem के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्शन, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं. हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था. हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा था. क्या होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम? टू टाइप्स के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर हैबिटेट्स को फिर हमने फर्दर क्लासीफाई किया था थ्री टाइप्स में, लॉटिक इकोसिस्टम, लैंटिक इकोसिस्टम एंड वेटलैंड्स. लॉटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल रनिंग वाटर बॉडीज, लैंटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल standing water bodies, and wetlands are the marshy areas and sometimes covered in water. Then हमने discuss किया था components of fresh water. दो components है fresh water के, abiotic component and biotic component. Biotic component include producers, consumers and decomposers. So go through with the link given in the description box to check out the whole video. Okay, let's start with the introduction of marine water ecosystem. Marine water ecosystem covers the largest surface area of the earth. Largest surface area of the earth is covered by marine water ecosystem. Clear? 2/3 of the earth is covered by water and they constitute of ocean, seas, intertidal zones, estuaries and hydrothermal vent. हमारी अर्थ का 2/3 ऑफ द पोर्शन किससे कवर है? वाटर से. और उसमें क्या क्या आता है? ओशन, सीज, इंटरटाइडल जोन्स, एस्चुरीज, हाइड्रोथर्मल वेंट्स. एस्चुरीज और हाइड्रोथर्मल वेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज. ओके, नेक्स्ट द मेराइन इकोसिस्टम इज मोर कंसनट्रेटेड. जो मेराइन इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है किससे? सॉल्ट से, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन. सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेराइन वाटर में सबसे ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. ऑल्सो मेराइन वाटर्स कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर. और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मेराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स भी फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. Their body is adopted to live in salt water. जो animals marine water में रहते हैं उनकी body किसकी तरह adapt हो चुकी है? उसी habitat के according उनकी body adapt हो चुकी है. तो अगर हम उनको less salty water में रखेंगे तो उनकी body क्या हो जाएगी? swell हो जाएगी. अब देखो marine ecosystem में क्या क्या आता है? दो type के ecosystem आते हैं, ocean ecosystem and coastal ecosystem. ओके, ओशन इकोसिस्टम. अब हम देखते हैं ओशन इकोसिस्टम में क्या है. आवर प्लैनेट अर्थ इज गिफ्टेड विद 5 मेजर ओशंस, नेमली पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. हमारी पूरी अर्थ पे 5 मेजर ओशंस प्रेजेंट हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं वो? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड Southern Ocean. Among all these 5 oceans, the Pacific and the Atlantic Ocean are the largest and deepest ocean. इन 5 ocean में से Pacific Ocean और Atlantic Ocean ही सबसे ज़्यादा बड़े हैं और deepest ocean है हमारी Earth पे. Few creatures of this marine ecosystem include shark, small and large ocean fishes, turtles, ब्लू व्हेल्स एक्सेट्रा. ओशन में रहने वाले कुछ एनिमल्स जैसे कि शार्क, स्मॉल फिशेस, स्मॉल एंड लार्ज ओशन फिशेस, टर्टल और ब्लू व्हेल, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ओशंस में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस एक्सेट्रा. ओके, दीज आर द इमेजेस ऑफ 2 ओशन इकोसिस्टम. ये दोनों ही इमेजेस किसकी हैं? ओशन इकोसिस्टम की हैं. नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द कोस्टल इकोसिस्टम. अब हम कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. दे आर ओपन सिस्टम ऑफ लैंड एंड वाटर, ये ए एंड डी एंड एक साथ है, वाटर अलग है, ठीक है, एंड वाटर विच आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द कोस्टल इकोसिस्टम। कोस्टल इकोसिस्टम वर्ड से क्या समझ आ रहा है, जहाँ पे लैंड और ओशन का जो वाटर है वो मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, ऐसे टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम। क्लियर। अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गी आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम। वाइड वेराइटी में एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के बॉटम में। द फौना इज डाइवर्स एंड इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, फौना मीन्स एनिमल्स, फौना डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, मेनली कौन कौन से, क्रैब्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, लॉबस्टर्स, स्नेल्स, श्रिम्प्स एक्सेट्रा। क्लियर। ओके, ये हमारा कोस्टल इकोसिस्टम का एक डायग्राम है जहाँ पे लैंड और हमारा ओशन का जो वाटर है वो क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं। ऐसे टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम। क्लियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।